हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग। और इस हफ्ते एक बहुत ही प्यारी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है फौजी कॉलिंग। डायरेक्टर आर्यन सक्सेना की फिल्म फौजी कॉलिंग पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पर आधारित है। ये एक ऐसे अनोखी कहानी है जब एक फौजी बॉर्डर पर चले जाता है, लड़ता है, वापस आता है, फिर वो वापस बॉर्डर पर चले जाता है, एक महीने के लिए घर आता है और भगवान न करे वो शहीद हो जाता है। उसका परिवार किस तरह से जीता है, उसके परिवार में क्या क्या विचार चलते रहते हैं, इस एंगल से बहुत कम फिल्में बनी हैं जो कि सिंथेटिक नहीं है, बहुत रियलिज्म पर आधारित फिल्म है। और फौजी कॉलिंग बिल्कुल वही बात कहता है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक फौजी की बेटी है, बड़ी प्यारी सी 7-8 साल की, उसको लगता है कि उसके पिताजी को किसी ने गोली मार दी है और उस ट्रोमा में उसकी तबीयत खराब होती रहती है, वो बिल्कुल मरने की कगार पर हो जाती है। लेकिन वो कैसे बचती है और क्या होता है, इसी ताने बाने पर आर्यन ने ये कहानी बुनी है, फिल्म बुनी है और बहुत ही अनोखे ढंग से और खूबसूरती के साथ बुनी है। मुझे लगता है ये एक ऐसी फिल्म है जिसको ज़रूर देखा जाना चाहिए ताकि हम फौजियों के परिवार को समझ सके, उनकी जानकारी ले सके कि वो किस तरह से जीते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ इस फिल्म की, तो नंबर वन परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँ तो एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल की, उसका नाम है माही सोनी। माही सोनी उस बच्ची ने एकदम स्टार परफॉर्मेंस दिया है, सुपर स्टार परफॉर्मेंस दिया है। विदिता हमको सब जानते हैं कि विदिता बाग एक बहुत शानदार परफॉर्मर है, उन्होंने बहुत कमाल का परफॉर्म दिया है। और अबव ऑल जरीना वहाब जो अपनी आंखों से ही सारा काम कर जाती हैं, सालों से आपने उनकी, इतने समय से हम उनको देख रहे हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। शर्मन जोशी है, विक्रम सिंह है, ये सारे लोगों ने इस फिल्म को एक्टिंग से सजाया और शानदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं। और ये कहानी आपके दिल को छूती है, आपको हंसाने पर मजबूर करती है, आपको मुस्कुराने पर मजबूर करती है, आपकी आंखों से आंसू निकालने पर मजबूर करती है। और बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म मुझे लगी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म छोटी फिल्म समझ कर आप अगर इसे इग्नोर कर देंगे तो वो गलत साबित होगा। म्यूजिक की मैं इसमें बात करूं तो हरप्रीत सिंह विज है, सज्जाद अली है, विजय वर्मा है, चांदवानी है, इन लोगों ने जिस तरह का म्यूजिक दिया है, सारे गाने और जिस तरह से कोरियोग्राफी की गई है, बहुत ही खूबसूरत ढंग से, बहुत कर्णप्रिय और म्यूजिकल फिल्म है। म्यूजिक बिल्कुल सपोर्ट करता है कैरेक्टर की तरह, सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जो है एक खूबसूरत पैकेज है, छोटा है क्योंकि बहुत साथ में रूही रिलीज हो रही, तो रूही एक बड़े प्रोड्यूसर की फिल्म है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कैंपेन बहुत बड़ा है, लेकिन उसी शोर में कि छोटी सी फिल्म है, इसे आप अगर इग्नोर कर देंगे तो एक अच्छा सिनेमा आप खो देंगे। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3 स्टार। ये आपको दिल को छुएगी, मुस्कुराने पर मजबूर करेगी और कहीं ना कहीं आपको सोचने पर भी मजबूर करेगी।